अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे ख़ास बात यह है कि 6th of March से, जी हाँ 6th of March से मेरा ऑनलाइन रिकॉर्डेड का फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी, फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी, एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आपने अब तक तैयारी नहीं शुरू की, या आप कहीं पर पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ऑनलाइन कोर्स में शामिल हो जाएं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपकी भरपूर तैयारी करवाई जाएगी और एक काबिल उस्ताद ही एक काबिल स्टूडेंट का बेहतर नतीजा लेके आ सकता है। तो चलें अब एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है, बोल रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये हमेशा इसका, अभी ये सम ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है, जब भी सम ऑफ स्क्वायर की बात होगी तो इस ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन बोल रहा है। अच्छा, सम ऑफ डेविएशन क्या होता है, एक्स माइनस मीन, ये हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, लेकिन ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन बोल रहा है तो ये मिनिमम है। सेकेंड क्वार्टाइल, हमारे पास सेकेंड क्वार्टाइल हमेशा क्या होता है, मीडियन होता है। क्वार्टाइल यानी डाटा को आप क्या करो, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो सेकेंड क्वार्टाइल आपके पास ये मीडियन होगा। ठीक है, देन उसके बाद बेस ईयर इंडेक्स नंबर जो है, जो आपके पास है, अब बेस ईयर इंडेक्स नंबर आपके पास कौन सा होता है, बेस ईयर इंडेक्स नंबर लास्ट ईयर होता है। द ग्राफ ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास हमेशा बेल शेप होती है, याद रखिएगा। फिर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड में मीन क्या होता है, बड़ा होता है मीडियन से और मॉड से। ठीक है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड कैसे होता है ये, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, मीन होता है, याद रखिएगा। अच्छा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर होता है मीडियन के, मीडियन बराबर होता है मॉड के। बोल रहा था वेरियंस 5/5, अभी देखो वेरियंस, वेरियंस का मतलब होता है चेंज, तो यहाँ पर सारी वैल्यू 5/5 है, तो यहाँ इसका वेरियंस क्या है, कुछ भी नहीं है। मैरिटल स्टेटस ऑफ अ कपल, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है आपके पास, क्वालिटेटिव वेरिएबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट से डैश इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट, ऑर्डर अरेंजमेंट आपके पास ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑर्डर अरेंजमेंट की बात करें तो ये हमारे पास हमेशा परम्यूटेशन आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन कैन बी सीटेड, तो ये आपके पास है 7, ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है ना, सीटेड तो 7C5। इसको आप सॉल्व करें तो कम्बिनेशन कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, जो 7C5 क्या है आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है अगर x-20=0 तो मीन क्या होगा, देखो मैंने अभी बताया सम ऑफ एक्स माइनस मीन बराबर होता है 0 के, इसका मतलब ये मीन क्या है, मीन आपके पास यहाँ पर 20 है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टिल देन अल्लाह।